हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे बैंक पीओ या क्लर्क या एनडीए सीडीएस या जीमेट के किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश सेक्शन में आपका स्कोर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि इंग्लिश सेक्शन पर आपका अच्छा कमांड नहीं है, या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर के काफ़ी वर्ड मीनिंग आपको समझ में नहीं आते हैं, या न्यूज़पेपर को आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते हैं, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो क्लास में बताऊंगा। देखिए, किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम को आप निकालना चाहते हैं तो उसमें इंग्लिश सेक्शन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है जिसको समझने के लिए आपको वोकेबलरी की ज़रूरत पड़ती है, क्लोज टेस्ट होता है। एसएससी में तो वोकेबलरी का बहुत ही बड़ा रोल होता है, और वोकेबलरी के बिना उसमें आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये 3 महीने की मेहनत के बाद हमने ये ऑसम वोकेबलरी का एक एक ई बुक्स हमने क्रिएट की है। इन ई बुक्स को मैंने पहले भी लॉन्च किया था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इनको लिया था, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा फीडबैक आया था। तो इनिशियली जब हमने इन ई बुक्स को लॉन्च किया तो काफ़ी हाई प्राइस पर इसको लॉन्च किया था, लेकिन अब स्टूडेंट की डिमांड पर हमने इसका प्राइस काफ़ी कम कर दिया है। इसमें एक्चुअली इस पूरी सीरीज़ में 6 ई बुक हैं, और सारी ई बुक्स में इसमें करीब 2500 हाई फ्रिक्वेंसी कोर वर्ड्स को हमने इंक्लूड किया है। 2500 हाई फ्रिक्वेंसी कोर वर्ड्स। देखिए, ये कोर वर्ड्स क्या हैं? कोर वर्ड्स का मतलब है कि जो सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, और इन कोर वर्ड्स को यदि आप याद कर लेते हैं अच्छे तरीके से, इनको आप सीख लेते हैं, तो कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम का इंग्लिश सेक्शन को निकालना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये कोर वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स क्लोज टेस्ट में भी आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी आते हैं, पैराजम्बल में भी आते हैं, और सभी जगह इनको पूछा जाता है, सभी जगह इनको यूज़ किया जाता है। हाई फ्रिक्वेंसी ये कोर वर्ड्स हैं, और 2500 वर्ड्स हैं इन 6 ई बुक्स में। तो इन ई बुक्स में मैंने एक एक वर्ड को उसके सारे सिनोनिम्स के साथ एक्सप्लेन किया है, उसके एंटोनिम्स के साथ एक्सप्लेन किया है। काफ़ी सारे वर्ड्स की मैंने याद करने की माइंड ट्रिक्स बताई हैं, इसमें एग्जाम्पल सेंटेंस मैंने दिए हैं, और जब आप इनको कंप्यूटर पर या मोबाइल पर आप पढ़ेंगे तो सारे वर्ड्स आपको कलरफुल तरीके से दिखाई देंगे, जिनको आप अच्छे तरीके से आप बार बार आप रिवाइज करते हैं तो बहुत ही आसानी से इनको आप याद कर सकते हैं। तो इसका डिटेल मैं आपको पूरा बता देता हूँ इन ई बुक्स का। इसमें देखिए हमने क्या क्या इंक्लूड किया है इन ई बुक्स में, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। बैरन्स के जो 1500 वर्ड आते हैं, जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हाईली रिकमेंडेड ये वर्ड्स हैं, ये इसमें इंक्लूड हैं। वर्ड पावर मेड इजी के काफ़ी सारे वर्ड्स इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। वर्ड्स फ्रॉम बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल जो मैगजीन आती है, उसके काफ़ी सारे वर्ड्स इसमें अपडेट कर दिए गए हैं। एसपी बक्सी की जो बुक आती है, उसके सारे वर्ड्स इसमें इंक्लूड करे हैं। वर्ड्स फ्रॉम बैंकिंग गुरु, ये अरिहंत का एक पब्लिकेशन है, इसके काफ़ी सारे वर्ड्स हैं इसमें। हिंदू वोकेबलरी के काफ़ी सारे जो वर्ड्स हैं जो रिपीट होते रहते हैं, इसमें हमने इंक्लूड किए हैं। फ्रेजल वर्ब्स हैं इसमें, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, और इन वर्ड्स को आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिवीजन सीट्स हमने दी हैं, मैच द फॉलोइंग दिए हैं, एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए हैं, निमोनिक्स ट्रिक्स दी हैं, हिंदी मीनिंग्स दिए हैं कुछ वर्ड्स के। तो इस तरीके से इन वोकेबलरी को इंग्लिश सेक्शन पर, इंग्लिश लैंग्वेज पर आप काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं, और इंग्लिश आपको काफ़ी आसान लगने लगेगी यदि इन वर्ड्स को आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं और इन वर्ड्स को आप यूज़ करते हैं। तो इनिशियली इस एक ई बुक का प्राइस जो मैंने रखा था 149 रुपीज़ रखा था, इस तरीके से 6 ई बुक का प्राइस 900 रुपये था, लेकिन अब इन 6 ई बुक्स को आप लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ केवल 250 रुपये में आप ले सकते हैं, और ये लाइफ टाइम आपकी हो जाएंगी। इनको आपके ईमेल पर भेजा जाएगा, और वहाँ से इनको डाउनलोड करके आप इनको आप यूज़ कर सकते हैं, और सारे वर्ड्स आपको इधर उधर नहीं इसमें जाना पड़ेगा, एक ही जगह पर सारे सारे हाई फ्रिक्वेंसी कोर वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, और इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं, और इंग्लिश सेक्शन में काफ़ी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा यदि इन वर्ड्स को आप यूज़ करते हैं। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जो एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था, और बैंकिंग के एग्ज़ाम में इसमें से काफ़ी सारे वर्ड्स हमारी ई बुक्स में से पूछे गए थे, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को एक अच्छा फीडबैक दिया था। तो इन ई बुक्स को लीजिए और इनके थ्रू अपनी तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से इससे आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा आपके स्कोर में। और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ से इसको पेमेंट कर सकते हैं आप। और जब आप पेमेंट करेंगे तो अपना ईमेल आईडी और अपना नाम और फ़ोन नंबर बिल्कुल सही सही डालिए, क्योंकि आपके ईमेल आईडी पर ही आपको ये ई बुक्स
भेजी जाएंगी और वहाँ से इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, लाइफ टाइम के लिए आपकी रहेंगी। और इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए, सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और एक एक ऐसा व्यक्ति जो इंग्लिश सीखना चाहता है, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहता है, अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, उनके लिए भी ई बुक्स काफ़ी काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। तो कोई भी व्यक्ति इन ई बुक्स को ले सकता है। और इन ई बुक्स का, इसका पेमेंट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से इनको आप ले सकते हैं। और ये मेरा पेटीएम नंबर भी है 9893719933। इस पेटीएम नंबर पर भी आप इस अमाउंट को भेज सकते हैं और साथ में अपना ईमेल आईडी आप मुझे भेज दीजिए और आपके ईमेल आईडी पर मैं ई बुक्स आपको ये तुरंत भेज दूंगा। तो इस तरीके से इन ई बुक्स को आप ज़रूर लें और इनके थ्रू आप अपनी इंग्लिश एक्सेंट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।